बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के बेला डंडी रोड पर ग्राम रोहरी पर संविदा पर तैनात कर्मचारी ओमेंद्र पुत्र नरेश का खंभे पर अचानक करंट आने से मौत हो गई। परिजनों को जब मौत की सूचना मिली तो घर में कोहराम मच गया और पूरा गांव घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। तो वहीं परिजनों ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि यह हादसा विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुआ है। इतने बड़े हादसे के बाद कोई भी विभागीय अधिकारी उनको सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचा। तो वहीं गुस्साए परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर दातागंज कोतवाल पुलिस फोर्स के साथ मौजूद तो वहीं परिवार के सदस्य का कहना था कि जब तक विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं आता है तब तक धरना जारी रहेगा। टीवी इंडिया न्यूज के लिए कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट, बदायूं। जालौन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जिसके चलते 37 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खुलासा किया कि एक जनपद से दूसरे जनपद में चोर चोरियों की वारदात को अंजाम देते थे, जहां पर पुलिस अधीक्षक स्वामी प्रसाद ने गिरफ्तार करने वाली टीम की सराहना की है। थाना कोतवाली जालौन पुलिस के इंस्पेक्टर कोतवाली द्वारा जो है सराहनीय कार्य करते हुए आज चोरों का गैंग गिरफ्तार किया गया। रात्रि में जब ये क्षेत्र में दबिश में थे और इधर इस रेलवे स्टेशन की चेकिंग में थे तो इनको चार अभियुक्तों के साथ एक साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली, जिनसे पूछताछ पर चोरी का काफ़ी पर्दाफाश हुआ। ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा एक से अधिक करीब 8-10 चोरियों का पर्दाफाश चोरी करना बताया गया, जो उरई क्षेत्र में लगातार चोरी कर रहे थे। इनके द्वारा माधवगढ़ क्षेत्र की भी एक चोरी का पर्दाफाश किया गया है। ये अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्य हैं। इनका इन लोगों का लंबा आपराधिक इतिहास है और ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। पुलिस के लिए इसमें 10,000 कम से कम जो है 4-5 लाख रुपए का माल बरामद हुआ है, 7.5 लाख का माल बरामद हुआ है और इनके साथ कट्टा भी बरामद हुआ है और एक रिवाल्वर भी बरामद हुआ है, साथ में चाकू भी बरामद हुआ है इनके साथ। सर, अभियुक्त का जो है और भी अन्य जनपदों में भी मतलब आपराधिक इतिहास है? हाँ, इन सभी का आपराधिक इतिहास है, मैं आपको संलग्न करके दे रहा हूँ। नहीं, इसमें 3 सदस्य अभी बाहर हैं। संयुक्त टीम ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है तो क्या इनको कोई इनाम वगैरह दिया जा रहा है? हाँ, इनको 10,000 रुपए का इनाम मेरे तरफ से दिया जा रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में मेरा शहर मेरी समस्या स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन को नगर पालिका पलीता लगाती हुई नजर आ रही। यहां पर आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी एवं स्वच्छता अभियान के प्रभारी मौन दिखाई दे रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण की योजनाओं में पलीता लगाकर गरीबों की काशीराम कॉलोनी राठ रोड महोबा में कचरा फैलाकर मौजूदा हालात बयान कर रहे हैं कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी झूठ पर झूठ आश्वासन दे रहे हैं, जिसके चलते कॉलोनी के लोग परेशान हैं। स्वच्छ महोबा सुंदर महोबा पर नगर पालिका महोबा भले ही दावा कर रही हो, लेकिन लोग गंदगी में जीने को मजबूर हैं। आखिर काशीराम कॉलोनी राठ रोड पर सफाई क्यों नहीं हो रही है? महोबा नगर की काशीराम शहरी कॉलोनी राठ रोड महोबा के सीवर लाइन सीवर टेक की गंदगी में जल आपूर्ति पंप हाउस है, जहां पर दूषित पानी है। गंदगी कारण फैली अव्यवस्था का जिम्मेदार आखिर देखा जाए तो फिर कौन है जो मुन्ना भाई बनकर नगर पालिका स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान लाकर दिखा रहा है? ऐसे कई सवाल लोगों की जहां में है। आखिर क्यों नगर पालिका परिषद स्वच्छ सर्वेक्षण में अपनी ताल ठोकती नजर आती, जो कि पूरी तरह से झूठ है? आप माता जी किस वजह से परेशान है? हम ऐसे हैं साहब कि हमें काशीराम कॉलोनी जल मिली थी जब मायावती थी। हाँ, फिर जब से हमें इतनी परेशानी है कि हमारे एक छज्जा बल्ब चलता था, एक पंखा चलता तो तब लाइट वाला ने लाइट काट लाई और हमारे सब शौचालय भरे हैं। हाँ। और हमारा गोड़ा टूट गया। अब टट्टी होन हम सवेरे जाते हैं तो फाइल लौटते हैं और हमारा राशन पानी है तो वो मिलता था तो वो काट लिया उसने कोटेदार ने, तो काखा आ जा हमारे को करे वालों नहीं है। एक बिटिया थी, हमने उनकी शादी शुदा कर रही है, अपने घर दूर की हो गई, हमें तो इतनी परेशानी है कि बहुत। अच्छा, पेंशन इंसन नहीं लगी तुम्हारी? पेंशन इंसन कुछ नहीं बन दिया, एक पैसा नहीं मिल रहा कि कैसे कहा, ना कोई सुन रहा है कोई अधिकारी। तो आपके बच्चे अच्छे नहीं है कमाने वाले? हाँ, जो आपका भरण पोषण कर सके?
बच्चा नहीं है, एक पिट गया थी, एक ठो सौ ब्याह का हो गई, अपने घर दूर की हो गई, हमें को पूछता ऐसी अंधेरे में डरे रहते काशी राम कॉलोनी में, उसने दी थी मायावती ने अपनी कोई पिछड़ा। कब से गल्ला नहीं मिल रहा है आपको? गल्ला नहीं मिल रहा हमें डेढ़ साल से, एक पसेरी में लत तो घोड़ो टूट गया, को नहीं गा सू नहीं दे रहा हूँ, कब तुम खारा जो हो जाए हमारा घोड़ो टूट गया। और लाइट कब से कटी है तुम्हारी? लाइट कट गई हमारी छह सात महीना से। अच्छा, और अंधेरे में डाय रहते हैं। क्या कहते हैं मीटर लाइट वाले? मीटर लगवा लो, पैसा दे, कहाँ से दे पैसा जब खाए हैं बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से देने जब खाए हैं बैठे, कुछ नहीं है। अच्छा, टट्टी की परेशानी है हमें, वो कमाए वालों नहीं है, को दे रहा तन तन चीज हम ला रहे। तो यहाँ शौचालय तुम्हारे बंद है क्या? बंद है, भरे हैं ऊपर वालों ने भादाए देखी, भरे हैं। तो नगर पालिका नहीं कराती है काम? नगर पालिका हाँ, क्या दे का पूछता ही नहीं है नगर पालिका वाले, हे रत लो नहीं है। और हाँ सब भाग जाते हैं। अच्छा, और फिर भरे हैं मंजोटे लो भाग जाते हमारे। अच्छा अच्छा, तो इस सरकार में तो कुछ भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा है इस सरकार में, ना हमें राशन पानी मिल रहा, ना पेंशन मिल रही, और ना को हमारे आगे पाछे को पूछता, को खाए लोग के नहीं देता, एक आध देना का उन्हें का रोटी दे रहे, का होता है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा बुंदेलखंड। मथुरा में संस्कृति धर्मांत कार्य मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के बिगड़े बोर्ड, जहां पर जनता को हड़कते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का वीडियो आजकल वायरल हो रहा है, जो कि 7 जुलाई को कोसीकला में हुए सपना चौधरी के कार्यक्रम का यह वीडियो है। कार्यक्रम के दौरान अनियंत्रित दर्शकों पर गुस्साए कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जिसका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए दीपक चौधरी की रिपोर्ट, मथुरा। थाना कोतवाली के जिला बदर के आरोपी रामबाबू अहिरवार रोरैया मोहल्ला से दिनांक 11 की रात्रि में अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़ा गया, जहां पर जिला बदर होते हुए भी जिले की सीमा में अपराध करने के कारण गिरफ्तार कर मान्य न्यायालय पेश किया गया है। कार्रवाई में SI डोगराज सिंह, SI अजय सिंह, आरक्षक यशवंत सिंह शामिल है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए साहिन निशा की रिपोर्ट, टीकमगढ़। सीतापुर के बिस्वा में गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार प्रयासरत है, तो वहीं गांव से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करके अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन करते हैं। तो यह बात उत्तर प्रदेश सरकार की बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र भार अनुपमा जायसवाल ने बिस्वा के रमा पैलेस में आयोजित स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति उनके माता पिता का भी दायित्व बनता है कि वह अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजें। उन्होंने अधिकारियों और शिक्षकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बच्चों की शिक्षा के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के विशेषज्ञ क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए अनेकों योजनाएं चला रही है। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत, माल्यार्पण, बैच अलंकरण करके स्वागत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार ने किया। अतिथियों ने बच्चों को ड्रेस वितरण करके पुस्तकें, जूता, मोजा का भी वितरण किया और कार्यक्रम परिसर में वृक्षारोपण भी किया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन शिक्षक सुनील वाजपेयी ने किया व आभार खंड शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह चौधरी ने किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राकेश वर्मा, भाजपा नगर अध्यक्ष आलोक गुप्ता, पंकज गुप्ता, पीयूष मौर्य, अनूप यादव, जिलाधिकारी शिशिर कुमार, CO समर बहादुर आदि लोग मौजूद रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। फिरोजाबाद में सत्ता के नशे में चूर भाजपा युवा मोर्चा आगरा के महानगर अध्यक्ष ने फिरोजाबाद टुंडला के एक मैनेज होम में जमकर तमंचे पर डिस्को किया। साथ ही साथ बारात चढ़ने के दौरान वादू अलग अलग हथियारों से फायरिंग करते भी नजर आए। फिलहाल इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल वायरल हो रहा है, जिसके चलते पुलिस ने इस पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई किए जाने की बात की। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें हर्ष फायरिंग की घटना को दिखाया गया है। वीडियो के संबंध में क्षेत्राधिकारी महोदय को जांच दी गई है। वीडियो कब का है, कितना पुराना है, किस थाना क्षेत्र का है, उसमें कौन लोग संलिप्त हैं, इन सभी तथ्यों की हम लोग जांच करा रहे हैं और जांच में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।
जनपद कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली के अंतर्गत मोहल्ला वितरिया में 7 माह के मासूम महत पुत्र शाहिद की मां ने मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने नानी मां को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों का कहना कि मां बेटी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते गुस्से में आकर मां रुखसाना ने अपने ही 7 माह के पुत्र आहत का गला दबाकर हत्या कर दी। रुखसाना के पति शाहिद मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं। रुखसाना अक्सर अपने पति के साथ जाने की जिद करती है। इसी बात को लेकर रुखसाना की मां रुखसाना के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद 7 माह के आहत को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस पूरी घटना से पूरे नगर में सनसनी फैल गई। तो मां की हैवानियत को 4 साल की बेटी असम ने कुछ इस तरह बयां किया। सुनने और देखने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। स्थानीय निवासियों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना स्थल पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा ने नानी व मां को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोई बंदा झांकने नहीं गया, आदमी अजमेर। हाँ तो अब आज खत्म हो गया, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आदमी अजमेर घूम रहा, आदमी ने कह दिया हम नहीं देखेंगे, जो करना है करो जाके। सास के जो जवाब थे, लल्ला तुम्हारी मर्जी हो, देख ले वाना मर्जी हो, देख ले। हम अपने साथ लेके आए थे बच्चे, जो मर्जी हो देख लो। क्या बच्चा है तुम? 3 तीसरे नंबर का यही है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। गोंडा के छपिया में आपको बताते चलें कि गोंडा में बरसात आते ही अधिकतर सड़कें तालाबों में तब्दील हो जाती हैं। कुछ इस प्रकार का मामला गोंडा के थाना छपिया के अंतर्गत तालागंज मार्ग को देखने को मिला, जब हाल ही में टीवी वन इंडिया न्यूज पर खबर चली थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी की आंखें खुली थी और सड़कों को तालाब मुक्त कराया था। सड़कों के किनारों से जेसीबी से खुदाई कराकर पानी निकालने के लिए उपाय भी किए गए। तो वहीं पर हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री गोंडा शेषराम वर्मा ने जल भराव की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। जिला मंत्री ने बताया कि आए दिन इस मार्ग से हजारों लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहीं पीडब्ल्यूडी मैट समी ने बताया कि जलभराव को देखते हुए अधिकारियों के आदेशानुसार जगह जगह पर सड़कों को जलमुक्त किया जा रहा है। टीवी इंडिया न्यूज के लिए सुनील वर्मा की रिपोर्ट, गोंडा। रामपुर में आजम के खिलाफ सड़कों पर आए मुसलमान, जी हम बात कर रहे हैं रामपुर की, जहां पर यतीम खाना संख्या 157 सराय गेट रामपुर नवाब राजा अली खां के यतीमों के रहने के लिए यह जगह काफी वक्त थी, जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लगभग 40 बेहद गरीब परिवार दशकों से रहते थे, जिसके हमारे पास किरायेदारी की रसीदे और अल्पसंख्यक विभाग के आवंटन पेपर भी थे। परंतु 2016 में जब आजम खां प्रदेश सरकार में वक्त मंत्री थे, तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सभी यतीम मजलूम लोगों को अचानक बख्म आवंटन निरस्त कर दिया। यह जगह जौहर ट्रस्ट को आवंटित करा दी थी, जिसके मालिक आजम खां खुद हैं। और रातों रात पुलिस PSC लगाकर सभी परिवारों को बेघर कर दिया गया और पूरी बस्ती के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। बाद में आजम खां यहां के बिना नक्शा पास कराए 3 मंजिला एक बिल्डिंग बनाई, जिसे आज भी निर्माण कार्य चालू है, जिस पर 2 दिन पूर्व यतीम खाना रामपुर पब्लिक स्कूल का बोर्ड भी लगाया गया, जिसके चलते सभी अल्पसंख्यक समुदाय के बेहद गरीब और कमजोर लोग परेशान हैं और जो जगह खाली पड़ी है उस जगह में पूर्व की तरह स्थापित किया जाने की मांग कर रहे हैं। जी आज धरना प्रदर्शन है, किस मामले में? देखिए, रामपुर पब्लिक स्कूल जो आप ये देख रहे हैं, ये 50 साल से इन गरीबों की जगह थी। यहाँ पर बैठी हैं शहजादी बेगम, छोटी बेगम, महिलाएं, ये गरीबों की जगह पर आजम खान ने जो कब्जा करके अपना प्राइवेट स्कूल खोल दिया है। इन गरीबों की और हम सब लोगों की ये मांग है कि इन गरीबों की जगह है, 50 साल से इस पर ये काबिज थे, इन लोगों को ये जगह मिलना चाहिए, ये इनका हक है। और सरकार का ये नियम है कि अगर कोई 12 साल से भी किसी जगह पर काबिज़ है तो वो जगह उसकी हो जाती है। ये 50 साल से इस जगह पर काबिज़ थे। इस आजम खान ने अपनी सरकार में, अपनी तानाशाही में इन लोगों को घर को उजाड़ दिया और पुलिस ने इन महिलाओं के साथ जो गुंडागर्दी और बदमाशी आजम खान की सरकार में की थी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आजम खां शिक्षा की बात करते हैं, आजम खां शिक्षा के गरीबों के दुश्मन हैं। अगर दुश्मन नहीं होते तो इन गरीबों के घर नहीं उजाड़ते। हम यहाँ रामपुर की सरजमीन से, सरकार से, जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ये 50 साल के कब्जादार लोग हैं, गरीब लोग हैं, यतीम लोग हैं, इनको इंसाफ दिया जाए और इनकी जगह इनको वापस की जाए। जी आज आप ये धरना दिया है, क्या मामला खुद पर? देखिए, वफ यतीम खाना संख्या 157 सराय गेट रामपुर पर आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। यहाँ पीछे बैकग्राउंड में एक भव्य इमारत देख रहे हैं। यहाँ पे पहले कभी यतीमों की घर होते थे और वो लोग यहाँ पे रहते थे।
ये उस घर के मालिक हैं। ये 90 साल की शहजादी बेगम बैठी हैं, इनके बराबर में छोटी बेगम बैठी हैं और पीछे तमाम महिलाएं खड़ी हुई हैं। ये लोग यहाँ पे 50-60 साल से रहते थे। नवाबों ने ये जगह इनको वफ की थी यतीमों के लिए रहने को। जब आज़म खान अपनी सरकार में वफ मंत्री थे तो उन्होंने गैरकानूनी तरीके से इनका वफ का आवंटन निरस्त कराया और इनकी जगह पर गैरकानूनी तरीके से जौहर ट्रस्ट ने कब्ज़ा कर लिया। एक तरीके से रातों रात इनके घरों से पुलिस और प्रशासन के लोगों ने बच्चों को और औरतों को और मर्दों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस लाइन ले गए। वहाँ जाके बर्बरता की सभी हदों को पार करते हुए पूरी बस्ती के ऊपर बुलडोज़र चला दिया। तभी से ये लोग लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अपना घर वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे आज़म खान ने एक भव्य इमारत बनाई है जिस पे परसों रात को ही उन्होंने यतीम खाना RPS स्कूल का बोर्ड लगाया है। ये पूरा गैरकानूनी तरीके से एक बिल्डिंग खड़ी किया गया है, स्कूल की आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग और आज़म खान ने इस जगह पे कब्ज़ा कर लिया है। इन लोगों की डिमांड है कि फौरन तौर पर हमें हमारी जगहें वापस की जाएं, क्योंकि इनके पुरखों से ये जगह इन्हीं को अलॉट थी। आज तमाम बस्ती के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सड़कों पर निकल कर आए हैं आज़म खान की तानाशाही के ख़िलाफ़ और उन्होंने ये मांग की है कि हमारी जगहें अगर हमें वापस नहीं दी गई तो हम बहुत जल्द इस जगह पर कार सेवा करके अपनी जगह को वापस लेंगे। यहाँ हमारे साथ मुदीउर्रहमान खां बबलू मौजूद हैं और हाफिज़ अब्दुल सलाम साहब जो नगर परिषद के चेयरपर्सन रहे हैं, तो मामून शाह खां साहब मौजूद हैं। तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं, इनके साथ खड़े हैं इनकी इस लड़ाई में और तमाम गरीब लोगों की ये लड़ाई है। इस लड़ाई को बहुत लंबे दम तक लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। अभी जैसे कि सूचना मिली है कि यहाँ पे ज़िले के प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं, हम उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे जो ज़िला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को जाएगा। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए तुषार सक्सेना की रिपोर्ट, रामपुर।